हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं नो नेम ओनली। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही है कि करेक्शन किस तरह से कर सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, चाहे वो MBA का हो, MCA का हो, इंजीनियरिंग का कोई भी हो, या फिर उसके अंदर होटल मैनेजमेंट, डायरेक्ट सेकेंड ईयर, डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, कोई भी फॉर्म हो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं आपके FC वेरिफिकेशन के बाद भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पर एडमिशन है, जिस भी कोर्स में आप लेना चाहते हैं, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। मैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी के अंदर जाऊँगा। उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के ऊपर हम जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के अंदर आ चुके हैं, मतलब मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर दिया है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो उसके बाद होम पे आएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का डैशबोर्ड। जैसे ही आप लॉगिन कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको सबमिट ग्रेवरेंस के ऊपर जाना है। आप यहां पर चेक कर सकते हैं मेरा फॉर्म जो है वो वेरीफाई हो चुका है FC सेंटर से। अगर वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप यहां पर अनलॉक एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन मिल सकता है, अनलॉक एप्लीकेशन, तो वहां से आप एडिट कर सकते हैं अनलॉक कर। ओके, जो स्टूडेंट ने फिजिकल मोड में वेरीफिकेशन किया है FC सेंटर के ऊपर जाकर, तो उनके लिए भी यहाँ पर सबमिट ग्रेवरेंस का अगर ऑप्शन नहीं आता है तो आपको डायरेक्टली FC सेंटर के ऊपर जाकर करना होगा। आई होप कि सभी को यहाँ पर सबमिट ग्रेवरेंस का ऑप्शन आ ही रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर आप FC सेंटर के ऊपर जाकर करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबमिट ग्रेवरेंस के अंदर जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर टाइप के ऊपर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको जो भी चेंज करना है उसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, ग्रेवरेंस फॉर द नेशनलिटी, ग्रेवरेंस फॉर HSC एग्रीगेट। ओके, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। और आप अगर एक से ज़्यादा भी ग्रेवरेंस देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं फ्रेंड्स, फुल नेम, जेंडर, अगर आप एक से ज़्यादा भी ग्रेवरेंस देंगे तो वो भी आपके ठीक हो जाएंगे अगर आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप, मैंने ग्रेवरेंस सेलेक्ट कर दिया है SSC मार्क एग्रीगेट। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ टाइप करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, मतलब आपने जो भी मार्क्स इनकरेक्ट फिल किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मेरे प्रीवियस मार्क जो मैंने फिल किए हैं वो 295 फिल किए, आई हैव फील्ड, जो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जो भी आपका SSC का ओरिजिनल मार्कशीट है वहाँ इसके लिए वो लगेगा। अगर ऑदर आपका कोई है तो वो भी आपको इस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, और आपका जो है तो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट ग्रेवरेंस पे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपका ग्रेवरेंस सबमिट हो जाएगा, और वो अगर ग्रेवरेंस अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर मैसेज बॉक्स में आपको स्टेटस मिल जाएगा, और अगर रिजेक्ट होता है तो वो भी आपको मैसेज मिल जाएगा किस वजह से रिजेक्ट हुआ है ग्रेवरेंस आपका, ये पूरी इंफॉर्मेशन। ओके, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये सेम प्रोसेस से आप सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।